हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पढ़ रहे हैं, जो बीटेक सेकेंड सेम की मैथ्स है, और इसमें हम लोग AKTU यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो हम लोग की यूनिट 1 चल रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन। आज का क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे लिखा है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। इन इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। तो आइए देखते हैं, और प्रीवियस क्लास में भी इसके कई क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले इसको कैपिटल डी की फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर एक्स माइनस 4DX प्लस 4X इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन क्या है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर वाई प्लस 4DY प्लस 4Y इज इक्वल टू 25X प्लस 16E की पावर t। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को आप सही से लिख लो। सही से लिखने का मतलब है ये x x x x कॉमन ले लीजिए पूरे से, तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 4D प्लस 4 x कॉमन ले लिया माइनस y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है। इसके बाद इक्वेशन 2 में भी हम ऐसा ही कुछ करते हैं, y कॉमन ले लेंगे, डी स्क्वायर प्लस 4D प्लस 4 y माइनस 25x इज इक्वल टू 16e की पावर 2। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू x के साथ है वहां पे ये वैल्यू नहीं, अच्छा इसमें डिफरेंस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। अब आपको करना क्या होता है, दोनों इक्वेशन में से या तो x को एलिमिनेट कर दीजिए या तो y को एलिमिनेट कर दीजिए, किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम किसी एक की वैल्यू निकाल पाएंगे, या तो x की या तो y की। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर प्लस 4D प्लस 4 इन इक्वेशन 1। उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर दैट इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देंगे। ठीक है, देखिए प्लस करिए या सब्ट्रैक्ट करिए, मतलब इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे, आफ्टर दैट ये लिखा करिए, आफ्टर दैट सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है हमको इक्वेशन 1 में, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी स्क्वायर माइनस 4D प्लस 4 डी स्क्वायर प्लस 4D प्लस 4 एक्स माइनस डी स्क्वायर प्लस 4D प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 0। ये तो हमारी इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 आपको एज इट इज लिखनी है, तो एक्स वाला पार्ट पहले लिखिए, माइनस 25X प्लस डी स्क्वायर प्लस 4D प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 16E की पावर टी। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए माइनस का साइन है, यही चीज लिखी हुई, यहाँ प्लस का साइन है, यही चीज लिखी हुई है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। राइट हैंड साइड पे केवल आपको मिलेगा 16E की पावर टी। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, जब इसको आप सॉल्व करोगे, इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करना है आपको आपस में,
तो थोड़ा हम यहाँ से कर ले शुरू करते हैं क्योंकि लंबा आएगा, इसको ब्रैकेट के अंदर और x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। अब देखिए पहले d स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए इस पूरे में, तो क्या आएगा, d की पावर 4 माइनस 4d क्यूब प्लस 4d स्क्वायर। देख लेते हैं आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है बोर्ड, हाँ ठीक है, ठीक है ये आ गया। इसके बाद 4d से इस पूरे में मल्टीप्लाई करिए, तो 4d क्यूब माइनस 16d स्क्वायर और प्लस 16d। इसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करिए इस पूरे में, तो क्या मिलेगा, 4d स्क्वायर माइनस 16d प्लस 16 और ये माइनस 25। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, देखिए ये कट जाएगा इससे और 16d प्लस माइनस ये कट जाएगा। अब देखिए जो आ रहा है वो लिख लीजिए, d की पावर 4 ये कट गया, 4d स्क्वायर 8d स्क्वायर और 16 से माइनस करेंगे तो माइनस का 8d स्क्वायर। तो ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 9 ना। देख लीजिए प्लस माइनस में तो नहीं कोई मिस्टेक हुई है, एक्स ये आ गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहां से, m की पावर 4 माइनस 8m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहां तक देख लीजिए सब समझ में आ गया है कि नहीं, फटाफट से जल्दी देखिए। अब देखिए क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो इन दोनों को इंटू करने पे 9 आ रहा है ना, तो माइनस 9m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। तो m स्क्वायर कॉमन लिया तो m स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 कॉमन लिया m स्क्वायर माइनस 9, तो यहाँ आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 9 m स्क्वायर प्लस 1, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1 आएगा। अगर इसको सॉल्व करोगे m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। तो माइनस 1, माइनस 1 को क्या लिख सकते हो आप, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, और m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, c1 e की पावर 3x, x नहीं आपको t लेना है हर जगह, t प्लस c2 e की पावर माइनस 3t प्लस c3 cos t प्लस c4 sin t, ये आ जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के बाद हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए जो हमारी ये वाली वैल्यू है, ये इसको हम लिखते हैं 1 upon d की पावर 4 माइनस 8d स्क्वायर माइनस 9, राइट हैंड साइड पे क्या है, 16e की पावर t। अब e की पावर t, अब t का जो कोफिशियंट है क्या है, 1 है, t का कोफिशियंट मतलब a की वैल्यू 1 है, और अगर e की पावर t के फॉर्म में है तो a इज इक्वल टू d होता है, यहाँ a इज इक्वल टू 1 है, तो d की जगह 1 रख दीजिए, 1 की पावर 4 1 माइनस 8 माइनस 9,
तो हमारा नीचे क्या आ जाएगा, माइनस का 16, वन अपॉन माइनस 16 इंटू 16 ई की पावर टी, 16 से 16 कट जाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस ई की पावर टी। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें क्या मिल गया, माइनस ई की पावर टी, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमको ये मिला ही था, ठीक है। अब हमें फाइनल सॉल्यूशन लिखना है अगर, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा निकला है c1e की पावर 3t प्लस c2e की पावर माइनस 3t, c3 cos t प्लस c4 sin t। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल है माइनस e की पावर t, तो ये आपका क्या निकल आया, x निकल आया। अब करना क्या है, x की वैल्यू को पुट करना है। कहाँ पे x की वैल्यू को पुट करोगे, आप देख लो x की वैल्यू कहाँ पुट करने पे आपको इजीली जो है आंसर मिल जाएगा। तो हम इस वाली इक्वेशन वन में x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है, इस वाली वैल्यू में पुट कर देते हैं। लेकिन हम लोगों के पास यहाँ स्पेस कम हो गई है, तो सबसे पहले आप लोग ये नोट डाउन कर लो, ये वाला हम रब नहीं करेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, और y की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला हम रब नहीं करेंगे। या अगर हम देखते हैं यहीं पे हो जाता तो हम कर देते, लेकिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्पेस कम है। आप फटाफट नोट डाउन कर लो, रब करेंगे उसके बाद करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए, तो हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इतना हम हटाए दे रहे हैं सब, ठीक है, ये x की वैल्यू को नहीं हटाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमें जरूरत है। अब यहां लिख देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन, इस वाली इक्वेशन में। अब यहां से देखिए, y इज इक्वल टू आपका क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4x। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, डी स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई x से है, 4d का भी मल्टीप्लाई x से है, इस 4 का भी मल्टीप्लाई x से है। तो हम ऐसे लिखते हैं, पहले डी स्क्वायर लिखेंगे और फिर ये सारी वैल्यूज लिख देंगे, क्या लिखेंगे, c1 e की पावर 3t प्लस c2 e की पावर माइनस 3t प्लस c3 cos t प्लस c4 sin t माइनस e की पावर t। इसके बाद क्या है, माइनस 4d, माइनस 4d, और फिर से हमें x से मल्टीप्लाई है तो फिर से x की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, c1 e की पावर 3t, c2 e की पावर माइनस 3t, c3 c4 e की पावर t। इसके बाद क्या है, 4 के साथ फिर से मल्टीप्लाई है, फोर के साथ भी फिर से हमें यही लिखना पड़ेगा x की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना, मार्कर चेंज कर दे, ये भी हल्का पड़ गया। अब देखिए, डी स्क्वायर, डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, वन अपॉन कैपिटल डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, डी स्क्वायर मतलब दो बार डिफरेंशिएट करा। इस वाले टर्म को अगर दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक बार करोगे तो 3e की पावर t आएगा, दो बार करोगे तो 9e की पावर t आएगा। तो आप क्या लिखोगे, 9c1 e की पावर 3t। इसको करेंगे, एक बार करेंगे तो माइनस 3e की पावर t, फिर दूसरी बार में प्लस हो जाएगा, तो प्लस 9c2 e की पावर माइनस 3t। अब यहां आ जाइए, एक बार करेंगे तो माइनस साइन टी, दोबारा करेंगे तो साइन का कॉस हो जाएगा लेकिन माइनस तो साइन रहेगा, माइनस
C3 cos t. इसको देखिए sin t का cos t, फिर cos t का माइनस sin t, ये e की पावर t ही रहेगा। अब आ जाइए यहां पे, अब देखिए जब इस केवल सिंगल d है, स्क्वायर नहीं है, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार करेंगे तो आएगा 3e की पावर 3t, लेकिन बाहर 4 भी है तो उससे भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस का साइन है, तो माइनस 12c1 e की पावर 3t, फिर माइनस, अब देखिए इस वाले टर्म में क्या होगा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 3e की पावर -3t, और माइनस 3 और माइनस 4 प्लस हो जाएगा, प्लस 12c2e की पावर -3t। अब यहां पे क्या आ जाएगा, सीधे सीधे माइनस 4 cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t होता है, और माइनस ये वाला तो प्लस हो जाएगा, 4c3 sin t, फिर माइनस 4c4 cos t, फिर इसका प्लस 4e की पावर t। अब आ जाइए इसमें केवल 4 से मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंशिएट नहीं करना, जब आप 4 से मल्टीप्लाई, अच्छा अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन अब x के तो जो है वैल्यू चाहिए ही होगी हमको, तो इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ये हमारी x की वैल्यू निकली थी। अब देखिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4c1e की पावर 3t प्लस 4c2e की पावर -3t प्लस 4c3 cos t प्लस 4c4 sin t माइनस 4e की पावर t। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, देखिए कुछ कट रहा है ऐसा, काट सकते हैं हम लोग कि नहीं, देखिए 9c1e की पावर 3t है, ये माइनस 12c1e की पावर क्या है 3t है, और क्या है, और ये है 4c1e की पावर 3t, तो 9 और ये 4 क्या बन गया 13, और 13 में से 12 माइनस करेंगे तो c1 बचेगा केवल, c1e की पावर 3t। तो हमने ये सॉल्व कर लिया, ये वाला और ये वाला, नहीं ये वाला। अब ऐसे ही 9c2 है, यहां पे 12c2 है और यहां पे 4c2 है, तो सेम बचेगा प्लस का c2e की पावर -3t। तो ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया और ये सॉल्व हो गया। अब देखिए क्या बच रहा है हमारा, ये है ई की, अच्छा माइनस c3 cos t, अब c3 cos t है, फिर ये 4c3, एक मिनट, c3 cos t, तो c3 ये तो sin t है और ये c3 cos t है, तो देखिए c3 cos t और ये है 4c3 cos t, तो यहां पे बचेगा c3 cos t, तो ये सॉल्व हो गया और ये सॉल्व हो गया। इसके बाद c4 sin t माइनस का है, यहाँ पे 4c4 sin t है, तो यहाँ पे भी बचेगा 3c4 sin t, तो ये भी सॉल्व हो गया। अब देखिए क्या बच रहा है, ये 4 प्लस का है e की पावर t और ये माइनस का है, तो ये दोनों तो कट गए, कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये दोनों बच रहे हैं, ठीक है, 4c3 sin t माइनस 4c4 cos t माइनस e की पावर t, तो ये भी कर लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, सब कुछ हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं देखते हैं, c1e की पावर 3t प्लस c2e की पावर -3t, तो ये भी e की पावर t वाला टर्म लिख लीजिए, e की पावर
टी माइनस, अब देखिए सी थ्री यहाँ पे है, सी थ्री यहाँ पे है, तो इन दोनों को ले लीजिए, सी थ्री सी थ्री को, सी थ्री कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे थ्री कॉस टी प्लस फोर साइन टी। अब यहाँ सी फोर है, यहाँ सी फोर है, तो सी फोर कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा थ्री साइन टी माइनस फोर कॉस टी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। एक बार देख लीजिए ये आपका क्या निकला है, वाई इज इक्वल टू। ठीक है, पहले समझ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए प्लीज। समझ में आ गया होगा आप सभी को, तो ये आपके दो आंसर एक्स और वाई की वैल्यू आ गई और आपका जो है ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा तो उसमें आपको एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकालनी होगी। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन और सिंपल कैलकुलेशन होती है, तो करने में दिक्कत नहीं होगी। बस एग्जाम में कॉन्सेंट्रेट होके करिएगा, इधर उधर देखने की बजाय पूरा फोकस अपनी कॉपी पे रखिएगा, जिससे क्वेश्चन में अगर एक भी मिस्टेक हो जाएगी तब आप मिस्टेक एग्जाम में ढूंढ नहीं पाओगे और बार बार उसको काटोगे और दोबारा करने की कोशिश करोगे। जब क्वेश्चन एक बार में सही हो जाता है तो टाइम भी कम लगता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। आज के लिए इतना ही, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही फायदेमंद है। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।